औरतों ने हमें रास्ता दिखा दिया है बालाजी, अब हम नहीं डरेंगे। हर हर महादेव। बाजी, श्रीधर यहाँ का सबसे पुराना अधिकारी है, फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता। तुम्हारे बाबा की बात तो हर कोई मानता है, ऐसा क्यों? क्योंकि असली शक्ति उसके पास नहीं होती जो सत्ता में बैठा होता है। असली शक्ति तो उसके पास होती है जो लोगों के दिलों में बैठा होता है। तुम जीवन दान मांग रहे हो, पर दान हर पात्र में नहीं डाला जाता। तुमने हमारी मातृभूमि और मातृशक्ति दोनों का अपमान किया है, हमारे बच्चों और सैनिकों का रक्त बहाया है, और ये धरती तुम्हारे आम से अपवित्र हुई है, अब तुम्हारे रक्त से धुलकर पवित्र होगी। न्याय आपके हाथ में, आपका अपराधी आपके सम्मुख है, इसे दंड देना आपका अधिकार है। हमने आपकी बात पहले नहीं सुनी बालाजी, हमें क्षमा कर दीजिए और आज की इस विजय पर बधाई स्वीकार कीजिए। यह सेना की नहीं, जनसेना की विजय, आप सबकी विजय। यदि आज इस गांव की मातृशक्ति ने मार्ग नहीं दिखाया होता, आप सब इस मार्ग पर नहीं चले होते, तो ये विजय संभव नहीं हो पाती। आज आपने मातृन आशीषियों को ही नहीं, उस सोच को भी हराया जो ये मानती है कि नारी पुरुष से कमजोर होती है। आपने सिद्ध कर दिया
इस देश के लोग अपना शीश झुकाना जानते हैं तो समय आने पर शीश को काटना भी जानते हैं। का किसी के घर पे आके बैठना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। कहीं बाजी और इन्हें कुछ कैसा लाई? हाँ, तू इतनी डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं, नासिर, बस बहुत जल्द अब बालाजी भट्ट और उसके बेटे के कटे हुए सर हमारे कदमों में होंगे। हमारे लोगों की लाशें तुम्हें भेज रहे हैं ताकि तुम इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सको। सोचो, जो लोग शत्रु के सम्मान के लिए ये कर सकते हैं, वो अपने सम्मान के लिए क्या नहीं कर सकते। इसीलिए दोबारा हमारे घर में कदम रखने की गलती मत करना। बालाजी करता होगा अपने हारे हुए दुश्मनों की इज्जत, और हम तो अपने हारे हुए अपनों से भी नफरत करते हैं। ले जाओ इस हसीब जी की लाश को और डाल दो भूखे कुत्तों के सामने। ये लड़ाई भले ही वो जीत गया नासिर, पर वो जंग कभी नहीं जीतेगा। बालाजी की हार की एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बजे होगी।
घाव बहुत गहरा है। जब तक ये होश में नहीं आ जाते कुछ कहा नहीं जा सकता। औषधि अपना काम कर चुकी है, अब प्रार्थना काम करेगी। नमस्कार। शत्रुओं को मरता हुआ नहीं देख सकते तो अपने भाइयों और निर्दोष सैनिकों को मरता हुआ कैसे देखोगे बाजी? हमारे आदेश के बावजूद अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा और तैमूर से लड़ाई की। तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, इसी कारण अब स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है बाजी। नहीं बाजी, मैं तुझे कहीं सुख नहीं। तुमने केवल वही किया जो स्वराज के सिपाही को करना चाहिए था। जो सिपाही स्वराज के रास्ते पे चलते हैं उनके लिए राष्ट्र सबसे पहले होता है। उनके लिए प्रेम परिवार प्रियजनों से बढ़कर उनका अपना देश होता है बाजी। स्वराज बल से नहीं बाजी, बलिदानों से पाया जाता है। पर ये तो पहला घाव है, तुझे ऐसे कई घाव झेलने हैं बाजी। बहुत बड़े बड़े बलिदान देने हैं। मार्ग में तुम्हारे मित्र संबंधी साथी गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, किंतु तुम्हारे पास उनका शोक मनाने का समय नहीं होगा बाजी। हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना होगा। मल्लान, तुम कह रहे हो कि मैं मेरे परिवार से, मेरे बाबा से, अपने अपनों से प्रेम करना छोड़ दूं? नहीं बाजी, नहीं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि सबसे प्रेम करो, किंतु सबसे अधिक प्रेम अपने देश से करो, अपने देश से बाजी। बालाजी, कहाँ हैं आप? बालाजी, अपना स्वयं को बचा सकते हैं ना तुम्हें? तुम सबको क्या लगा कि तुम सबने मिलके कुछ गुंडों को क्या हरा दिया, यह बात समाप्त हो गई? नहीं, यह बात अभी शुरू हुई है और ये बात इतने आगे तक जाएगी कि तुम सब मिलकर इसको संभाल नहीं पाओगे। मंजे,
ये क्या है? ये कमरुद्दीन का जवाब है तुम सबके लिए। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, इनकी सिर्फ एक ही गलती थी, इनमें से एक ने तेरी मदद की, तुझे आजाद किया। सिर्फ एक पंख देकर तेरी मदद करने पर हमने इन कबूतरों का ये हाल किया है। तो सोच, जिसने आज तेरी मदद की है उसका क्या हाल होगा? तू और तेरी औलाद कल का सूरज निकलने से पहले अपने हाथों से अपना सर काटकर गांव वालों को दे दो, वरना गांव में किसी कंधे पर सर नहीं बचेगा। और ये कमरुद्दीन खान का वादा है। तुम सिर्फ 40 हो और हम 4,000 की फौज लेकर आएंगे। ये जंग का ऐलान है बालाजी, अब जंग होगी और इस जंग में तुम्हारी हिम्मत को हमारी ताकत कुचल कर रख देगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बाबा को मरने नहीं दूंगा। का? तुम्हारे बाबा के जीवन का मूल्य बाकी लोगों की जिंदगी से अधिक है क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था बाजी कि कमरुद्दीन से जाकर माफी मांग लो, लेकिन नहीं, तब तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मराठी अपना सर कटवा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकती। तो जाओ, अभी जाओ और अपना सर कटवा कर आओ। क्या हुआ, अभी जाओ ना। मैं अपना शीश कटाने को तैयार हूं, पर मेरे बाबा का जीवन मात्र मेरे परिवार के लिए ही नहीं, मेरे देश के लिए भी बहुत मूल्यवान है। ऐसा कुछ नहीं होगा बाजी, हम कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। समाधान नहीं निकलेगा, जान निकलेगी। इस बाजी के हट के कारण हम सबकी जान निकलेगी। मैं इस गांव का सर देशमुख हूं और यहाँ की जनता के प्राणों का दायित्व तो मेरा है। तो इस गांव का सरदेशमुख होने के नाते मैंने कुछ निर्णय लिया है कि इस गांव और इस गांव में रहने वालों की सुरक्षा के लिए मैं बालाजी विश्वनाथ भट्ट और उनके इस हटी पुत्र का सर काटकर मुगलों को दे दूंगा। शत्रु के एक संदेश से डरकर इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं सर देशमुख जी? मेरे बाबा कहते हैं, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं। फिर समाधान क्या चीज है? बस, अब बहुत हो गया। मेरे बाबा कहते हैं, मेरे बाबा कहते हैं, बाबा कहते नहीं है, बाबा कहते थे और तुम सुनते थे, क्योंकि अब बहुत जल्द तुम लोगों की जीवन लीला समाप्त होने वाली है। बाजी और बालाजी को हाथ लगाने से पहले आपको मेरा सर काटना होगा। मेरा भी। तुम सब लोग मेरे निर्णय के विरुद्ध जाकर गलती कर रहे हो। खास जिसे आप अपना निर्णय कह रहे हैं चंद्रसेन जी, वो आपका नहीं मुगलों का निर्णय है। तुम इस तरह से अपने वरिष्ठ अधिकारी पर तलवार नहीं निकाल सकते हो।
इस बदतमीजी के लिए तुम्हें कारागार भेजा जा सकता है। क्षमा चाहता हूं चंद्रसेन जी, पर कारागार में मैं नहीं, आप जाओगे। खास बाजी, अब निर्णय केवल तुम्हारे हाथ में है। आता तुलाच ठरवायचं आहे। अब जो सोचोगे तुम सोचोगे। और जो करोगे केवल तुम करोगे। मैं क्या? संसार का कोई भी पुत्र अपने पिता की हत्या करने का निर्णय कैसे ले सकता है? लेकिन मैं अपनी गलती के कारण इतने सारे निर्दोष जीवन भी तो दांव पर नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि मेरे बाबा भी जिएंगे और गांव वाले भी। इसी संदूक में कमरुद्दीन को मेरा उत्तर जाएगा और वो उत्तर होगा मेरा खटा हुआ सर।